हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है लिब्रे ऑफिस राइटर का ट्यूटोरियल नंबर 29। अगर आप अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 28 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है टेबल मेनू का पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, प्रोटेक्ट सेल, अनप्रोटेक्ट सेल ऑप्शंस के बारे में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन सभी ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। ओके, टेबल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है फर्स्ट आपके अपने टेबल मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इसमें इंसर्ट टेबल का, आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टेबल के नाम से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है कॉलम, इसके बाद यहाँ पे लिखा है रो। ओके, तो मैंने यहाँ पे रो में टाइप किया 5 रो। इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम यहाँ पे ले लिया, इसमें 4 कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इसमें इंसर्ट का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेबल यहाँ पे बन जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे 5 रो और यहां पे 4 कॉलम्स हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे फर्स्ट नंबर पे दिया इसमें मर्ज सेल ऑप्शन। ओके, इस ऑप्शन के लिए आपको इसमें एक से ज़्यादा सेल आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। ओके, तो मैंने यहां पे ये सेल यहां पे सेलेक्ट कर लिया, आप यहां पे देख सकते हैं। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके टेबल मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इसमें मर्ज सेल का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेल था ऊपर का यहाँ पे, ये सब यहाँ पे मर्ज हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पहले था यहाँ पे 4 सेल और इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्ज होकर 1 सेल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा मर्ज सेल ऑप्शन, जिससे आप एक से ज़्यादा सेल को एक सेल के अंदर मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें स्प्लिट सेल का। ओके, इसके लिए आपको जाना है आपके टेबल मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इसमें स्प्लिट सेल का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट सेल के नाम से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है स्प्लिट सेल इनटू। ओके, तो आपको यहाँ पे अपने सेल का नंबर टाइप करना है, आपको जितना भी सेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, तो मुझे यहाँ पे चाहिए 4 सेल, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया 4। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन, डायरेक्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा हॉरिजॉन्टली और आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा वर्टिकली। ओके, तो मुझे यहाँ पे चाहिए वर्टिकली, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ओके, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपके सभी सेल्स यहां पे वापस आ जाएंगे, आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा मर्ज सेल स्प्लिट सेल ऑप्शन। ओके, इसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें स्प्लिट टेबल का। ओके, जैसे कि मैंने यहां पे ऊपर भी यहां पे बताया आपको स्प्लिट सेल के बारे में, तो स्प्लिट सेल ऑप्शन से आप एक सेल को कई भागों में आप बांट सकते हैं। इसके बाद यहां पे दिया स्प्लिट टेबल, तो आप स्प्लिट टेबल ऑप्शन से एक टेबल को कई भागों में बांट सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक सेल के ऊपर क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके टेबल मेनू में, और टेबल मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्प्लिट टेबल, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट टेबल करके एक छोटा सा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे इसका मोड दिया, तो आप यहाँ पे अलग अलग इसको मोड में यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉपी हेडिंग, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सभी हेडिंग को कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है नो हेडिंग, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया नो हेडिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी भी हेडिंग को कॉपी और कस्टमाइज नहीं करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया नो हेडिंग के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टेबल यहाँ पे स्प्लिट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे मेरा टॉप साइड में और एक टेबल यहाँ पे मेरा डाउन साइड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दोनों टेबल यहाँ पे स्प्लिट हो गया है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें प्रोटेक्ट सेल का। ओके, इसके लिए आपको यहाँ पे अपना पूरा टेबल करना है सेलेक्ट, तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा टेबल किया सेलेक्ट। और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके
टेबल मेनू में, और टेबल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोटेक्ट सेल के ऊपर। तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो सेल है ये यहाँ पे प्रोटेक्ट हो गया है। ओके, इसके बाद आपको किसी एक सेल में क्लिक करना है। सेल में क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रीड ओनली कंटेंट्स। ओके, तो आप इसमें जो भी कंटेंट्स आप टाइप किए हैं उसको ओनली आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैंने एक बार यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर आपको अपना सेल अनप्रोटेक्टेड करना है तो उसके लिए आपको अपना पूरा सेल करना पड़ेगा सेलेक्ट, और सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें अनप्रोटेक्ट सेल। ओके, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके टेबल मेनू में, और टेबल मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अनप्रोटेक्ट सेल। तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका सेल का प्रोटेक्शन था ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा प्रोटेक्ट सेल अनप्रोटेक्ट सेल ऑप्शन। ओके, तो ये थे टेबल मेनू कुछ ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।